our lenses, so we started to realize that there are scenarios where we want to add in other creative effects. So we developed the industry's first filter that features both a variable ND as well as diffusion. All right, so what's diffusion? It's a dreamlike cinematic glow that gives your footage that extra layer of production value. It evens out highlights and excels at giving human subjects a polished appearance. तो इंट्रो से तो आपको पता चल गया होगा कि ये इफ़ेक्ट है किस बारे में और ये करता क्या है। तो ये करता ये है कि आपकी जो फुटेज में जो हाइलाइट्स होती हैं उसको ये एक ग्लोई और एक सिनेमैटिक टाइप की फील देता है। वैसे तो इसको ओरिजिनली करने के लिए जो इसका सही तरीका है उसके लिए एक फ़िल्टर आता है, जैसे आपका एनडी फिल्टर आता है वैसे ये एक प्रोमिस फिल्टर आता है अलग अलग स्टॉप्स के साथ। बट अगर आप मेरे जैसे हैं और आपके पास उसको ख़रीदने के पैसे नहीं हैं तो ये आपकी फुटेज को सिनेमैटिक फील कैसे देता है। आपने अगर आप लोगों ने देखा हो तो जो सिनेमा कैमरा होता है और जो DSLR और मिररलेस कैमरा होता है उसमें डिफरेंस फील होता है इमेज में। वो क्यों होता है? वो ऐसे होता है कि जो सिनेमा कैमरा होता है उसमें वो वाली शार्पनेस नहीं होती जो आपके ये DSLR और मिररलेस वगैरह में होता है। उसमें एक बहुत सॉफ्ट सी शार्पनेस होती है तो जो उसमें बहुत सिनेमैटिक लुक ऐड करती है। अब ये फिल्टर अगर सही मकदार में यूज़ किया जाए तो एक उस तरह का एक लुक प्रोवाइड करता है। वैसे तो आजकल ये फ़िल्टर बहुत इन हुआ है, हर चीज़ में फुल यूज़ हो रहा है, तो देखते हैं प्रीमियर प्रो में कैसा होता है। सबसे पहला स्टेप जो है आपका वो है एडजस्टमेंट लेयर। अब आपकी क्लिप है, आपने एक एडजस्टमेंट लेयर बनानी है न्यू और उस क्लिप के ऊपर रख देनी है। उसके बाद आपको जाना है इफेक्ट्स पैनल में और लिखना है गॉसियन ब्लर, गॉसियन ब्लर जो भी होता है जैसे भी प्रोनाउंस करते हैं, और उसको आपको ड्रैग करके एडजस्टमेंट लेयर में लगाना है। यहाँ पे फिर आप अपनी ब्लरिनेस सेट कर लें, थोड़ा सा हाई नंबर हो चलता है मतलब 200 से 400, बाद में आप ओपेसिटी से उसको सेट कर सकते हैं। बाद अभी के लिए आप थोड़ा सा बढ़ा लें ताकि आपको शो हो सही से। और उसके बाद ये जो आपका रिपीट एज पिक्सल्स है इसको आप टिक रहने देंगे, ये आपके एजेस को ज़रा सही कर देता है। उसके बाद आपको जाना अपने ब्लेंडिंग मोड्स में ओपेसिटी वाले टूल में और आपको करना है ब्लेंडिंग मोड इसका नॉर्मल से स्क्रीन पे। अब आपको फ़र्क अपने सामने थोड़ा सा नज़र आ रहा होगा, आप इसकी ओपेसिटी अप एंड डाउन करेंगे तो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं आपको कितना चाहिए ये इफ़ेक्ट। बहुत ज़्यादा ओवरडू नहीं करिएगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, शुरू शुरू में अच्छा लगता है शशको के लिए। इसको जो हमने स्क्रीन मोड पे किया वो कर ये रहा है कि आपके जो ब्लैक और वाइट पॉइंट्स हैं मतलब ये खाली वाइट पॉइंट्स में वो ऐड कर रहे हैं वाला इफेक्ट। सही है, अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, एक और स्टेप आगे जो मुझे पसंद है। इसके बाद आप जाएंगे अपने टोन कर्व में और आपको अपने ब्लैक और वाइट पॉइंट्स और आपको बढ़ाने तो आप अपने टोन कर्व में एस कर्व बनाएंगे, उससे आपके शेडोज़ और वाइट जो हैं वो और ज़्यादा आपको खुद ही फील हो जाएगा करके, तो अपने हिसाब से आपको करना है उसको। और फिर आप एक और चीज़ कर सकते हैं कि इसमें आप सिलेक्टिव चीज़ें भी कर सकते हैं, जैसे मास्किंग है। अब आप यहाँ पे जाएंगे, ये स्क्वायर उठाएंगे या पेन टूल उठाएंगे, एक पर्टिकुलर जगह पे आपको वो इफेक्ट अप्लाई करना है तो आप वहाँ पे उसके अराउंड में मास्क बना देंगे या आप जितने मास्क चाहें जितनी भी आप सिलेक्शन चाहें वो आप कर सकते हैं, तो पॉसिबिलिटीज़ बहुत हैं इसमें। और हर चीज़ में इसको नहीं अप्लाई करिएगा, इसका एक टाइम होता है, हर जगह नहीं अच्छा लगता ये, तो प्लीज़ डोंट ओवर डू इट। तो अगर आप ये इफेक्ट यूज़ करें अपनी किसी चीज़ में तो ये मेरा इंस्टाग्राम है, मुझे इस हैशटैग पे टैग करिएगा, मैं ऐसी सर्च करूँगा और शेयर करूँगा जो अच्छे लगेंगे अपनी स्टोरी पे। और गर्मी वापस आ गई है, फिर से फ़ैन बन करके वीडियो शूट करना